अब जो है मैम जो है जाना चाह रही हैं दीक्षा मैम, हालांकि हम भेजना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी, हम चाह रहे थे कि आप उपस्थित रहते पूरा समय, लेकिन वो होता है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो तमाम व्यस्तताएं जो हैं प्रशासनिक बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं और ये लोग हम ही लोगों के लिए लगे रहते हैं लगातार दिन रात। लेकिन हम चाहेंगे कि जाने से पहले हमारी एक नुक्कड़ नाटक की टीम थी, वो बच्चे मंच पर आ जाएं और उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके मैम ज़रूर सम्मानित करें, उन बच्चों को हौसला मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नाटक इन बच्चों ने पेश किया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सुबह आने में। एनडीए समग्र भारत नाट्य मंच जो है उनकी ये पेशकश थी, तो इन बच्चों को जो है स्मृति चिन्ह दे करके मैम सम्मानित करें ताकि ये बच्चे और ज़्यादा अवेयर हों इस बात के लिए, क्योंकि इस तरह के नाटक, इस तरह की कविताएं, इस तरह के व्याख्यान, ये सब कहीं ना कहीं एक चेतना जागृत करते हैं हमारे भीतर प्रकृति को लेकर के। और कई बार क्या होता है ना कि गूढ़ तरीके से बात समझ नहीं आती है, लेकिन ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों से आसानी से बात समझ आ जाती है। और पिछले दो दिनों से हिंडन महोत्सव में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से ये लोग एक बार इकट्ठा ज़रूर हों। मान लीजिए कवि सम्मेलन है, लोग आएंगे, जरूर सुनने आएंगे, और संतोष आनंद जी जैसी शख्सियत आई तो सभी लोग आए। और उसमें फिर हम बार बार जब प्रकृति की बात कर रहे थे और फिर साथ में कविताएं चल रही थी, तो एक मैसेज तो जरूर कन्वे होता है। हिंडन महोत्सव जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। हर नंदी, कितना प्यारा नाम है हिंडन का, और हमारी नदी अगर बीमार है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमने उसका ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने कि हम जो है ना, मतलब असल में राज करने की प्रवृत्ति हो गई है हम लोगों की। प्रकृति माँ है, माँ को क्या चाहिए, दुलार चाहिए, स्नेह चाहिए, और हम जो है माँ की बजाय भोग्या की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। बस इस्तेमाल करना, जैसे माँ के साथ भी आज यही हो रहा है हर घर में। माँ जब तक काबिल है, सक्षम है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, जैसे ही माँ लाचार हो जाती है, असहाय हो जाती है और बच्चों के पर निकल आते हैं, फिर वो माँ को नहीं पूछते। प्रकृति के साथ भी यही हुआ है, तो इस फितरत को हमें बदलना होगा, क्योंकि हम भी उसी स्थिति में पहुँचने वाले हैं। और कोरोना ने तो हमें चौंका ही दिया, बिल्कुल ठिटका दिया, बता दिया कि भैया संभल जाओ। और प्रकृति बड़ी खुश थी जब कोरोना के कारण हम भीतर हो गए थे ना सब, प्रकृति अपने असली रूप में आई, लहराई, मुस्कुराई, और क्या चारों तरफ का एनवायरनमेंट था देखने लायक। तो हम बल्कि ये जो एक ही घर से 10 गाड़ियों की बजाय एक गाड़ी में भी काम चल सकता है, भगत नाम करके चैनल है, इनकी पूरी टीम आ जाए। रविंद्र चौधरी जी हमारे बीच में है, उनकी भगत राम करके चैनल है, डिजिटल चैनल की पूरी टीम जो पूरी है वो भी आ जाए, उनकी जो उनके सहयोगी भी हैं वो सब आ जाए, बैठे हैं विजेंद्र देवराज और जी कृष्ण चौधरी जी, पूरी टीम आ जाए। और एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ए.के. चौधरी जी उपस्थित हैं, जीडीए से उद्यान अधिकारी हैं, और शशि भारती जी सहायक उद्यान अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और मैं चाहूँगी कि मंच पर आएं ए.के. चौधरी सर और शशि भारती जी। सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और शशि भारती मैम आप भी मंच पर आएं जी। और ये जो टीम है इन्हें सम्मानित किया जा रहा है इनके प्रयासों के लिए, इनके सहयोग के लिए। रविंद्र चौधरी जी की टीम है ये, भगत राम करके इनका चैनल है, डिजिटल चैनल। ये सेलिब्रिटी है मैम, मुंबई में इनका काफी, आप यूट्यूब में इनके मिलियंस व्यू होते हैं, सब कटाई करते हैं रविंद्र चौधरी जी, भगत राम के डालने में। आजकल डिजिटल दौर है और हम जो है टीवी देखना भी भूल ही रहे हैं आजकल, हम जो है सोशल मीडिया पे जो देख पा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे एक बात और है, जो हमारे मन का है हम वही देखते हैं, हमारी सोच और उसमें फिर तर्क की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि हम जो देखना चाह रहे हैं वही देख रहे हैं, विपक्ष और दूसरी बातें हम सुनना ही नहीं चाहते, उनके तर्क सुनना नहीं चाहते। तो उसका इस्तेमाल भी बहुत संभल कर करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया का। लेकिन भगत राम चैनल जो है ना वो अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और रविंद्र चौधरी जी जो हैं वो बहुचर्चित व्यक्तित्व हैं। हाँ ग्रुप फोन रही थी, शशि मैम शायद चली गई हैं क्या, आ जाएं।
ना ना तीन के नहीं, वो तो आप जो बाहर के लोग हैं वो नहीं कहेंगे। जी राज मैम आ गई हैं। राज मैम भी हमारे साथ लगातार बनी रही हैं और पूरा सहयोग किया है इन्होंने। रुक जाओ मैम, मैं बुला रहा हूँ, नीलम शर्मा जी को बुला लो। नीलम शर्मा मैम हैं हमारे साथ में, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आएं। नीलम शर्मा मैम, शशि भारती मैम, नीलम शर्मा मैम, शशि भारती मैम, आप दोनों मंच पर आएं। देखिए आज अरुणिमा मैम आप भी आ जाएं, आइए मैम, आइए आइए जी। हम सब इतना तो संदेश लेकर के जाएंगे ही कि अब देखिए, एक तो वो हो गए हैं, सोसाइटीज बन गई हैं, उनमें फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में फिर पौधे छोटे छोटे बेचारे ऐसे ना, मतलब हम कोशिश करते हैं हरियाली लाने की, लेकिन वो बात नहीं है जो पेड़ों में होती है। अनाउंस करो विधायक जी आ गए। सुनील शर्मा जी साहिबाबाद विधायक आ गए। सुनील शर्मा जी, आदरणीय सुनील शर्मा जी हमारे बीच आ गए हैं, विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, अभिनंदन। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आदरणीय सुनील शर्मा सर का। और सर आपसे आग्रह है कि प्लीज मंच पर आए आप, हम आपके इंतजार में हैं और इस सार्थक चर्चा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए आपकी उपस्थिति बहुत बड़ा सहयोग करेगी आदरणीय। और बहुत देर से आप ऐसे बैठे हैं, एक बार फिर से पुरजोर तालियां बजा दीजिए। अच्छा, तालियां ना बजाने का कारण मुझे ये समझ आता, आधे लोगों के हाथ में तो मोबाइल रहता है क्योंकि फोटो भी खींचनी है और वीडियो भी बनानी है, तो हम आपको फोटो भी दे देंगे, वीडियो भी दे देंगे, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया। विधायक सर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय। और वाकई इनकी कर्मठता को हम नमन करते हैं और साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रति इनके रुझान को हम नमन करते हैं और पर्यावरण के प्रति इनके भीतर जो जज्बा है, जो सोच है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और ऐसे लोगों की उपस्थिति जो है ना, वो वाकई हमें बहुत कुछ करने को प्रेरित करती है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय।